टू माई चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आज सब ठीक ठाक होंगे और मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं देखने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत दिनों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है और मैंने बस उनको बोला था कि मैं देख रही हूँ और अभी तक नहीं हो पाया था। तो चलिए, तो आज मैं जो वीडियो देखने वाली हूँ वो है बॉलीवुड छापा फैक्ट्री। वेल, ये वर्ल्ड नोन है कि हमारी बॉलीवुड गाना कॉपी करती है, पूरा लिफ्ट कर लेती है ट्यून, तो उसी के ऊपर है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पाकिस्तानी म्यूजिक से इन लोगों ने चुराया है। तो चलिए, आज जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो है पाकिजा नाम का कोई यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बनाया है ये। वेलकम टू बॉलीवुड वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री पार्ट वन। तो मैं आज पार्ट वन देखने वाली हूँ और अगर मुझे मजा आया तो मैं बाकी सारे पार्ट्स भी देखूंगी। तो गाइज, शुरू करें वीडियो देखना, करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉकबस्टर्स में ऐसे सॉन्ग्स चले तो लट ही जाएगा। गाना बिल्कुल नहीं सुना है ना, ओरिजिनल ना। मुन्नी बना दिया। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने पूरा वीडियो देख लिया और अब मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है कि इतने सारे कॉम्पोजिशंस जो इतने फेमस थे, मतलब उस जमाने के वायरल बोल सकते हो, वो सारे कॉम्पोजिशन चुराए हुए हैं, पूरा सॉन्ग ट्यून लिफ्टअप किया हुआ है। मैं क्या बोलूं, तो अली जफर वाला जो सॉन्ग है वो मैंने पहले सुना हुआ है और उन्हीं का जो वर्जन था वो सुना हुआ है। और कुछ एक सॉन्ग थे, वो दिसंबर वाला जो सॉन्ग, वो मैंने ना ही ओरिजिनल ना ही छापा, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं सुना था, शायद वो पॉपुलर नहीं थे। और मुन्नी बदनाम हुआ वो वाला सॉन्ग तो मुझे सुन के अजीब लग रहा है, सीरियसली इतना ज्यादा वायरल सॉन्ग था वो, और वो मतलब फिर लिरिक्स के साथ थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा मतलब आज के जमाने के म्यूजिक डाल के पूरा चेंज ही कर दिया और उसको अपना बता दिया। माई गॉड, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। ओरिजिनली बॉलीवुड में जो सबसे फेमस है म्यूजिक बाहर का लिफ्टअप करने में, इंस्पायर होने में, तो वो है प्रीतम दा,
अपने और दूसरे अनु मलिक, सबको पता है कितने सारे वो म्यूजिक इधर उधर से लाते हैं, तो इनका पता है। और ये जो नए नए चीजें देख रही हूँ, मेरे को इनका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और जिन्होंने वीडियो बनाया है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो सीरियसली उनको बहुत ज्यादा म्यूजिक का नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा रिसर्च लगा होगा कि पुराने इतने सारे सॉन्ग्स को खोजना, फिर देखना कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा लगा होगा टाइम इनको वीडियो बनाने में। 60s के भी सॉन्ग्स होंगे शायद उसमें था, तो वो सारे सॉन्ग्स भी इन्होंने चुरा लिया है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च लगी होगी इतना पुराना पीछे जाके फिर उन म्यूजिक्स को देखना और मिलाना। तो मैं बता दूं कि हमारी जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी है। पर्टिकुलरली बॉलीवुड ही नहीं है, साउथ के मूवीज जिसे टॉलीवुड भी कहते हैं और बंगाल की मूवीज भी, ईस्टर्न साइड की जो बंगाल की मूवी बनती है वो भी अच्छी हाई क्लास की ही बनती है। बंगाल की जो मूवीज होती है वो आर्ट हाउस के लिए ज्यादा फेमस है, तो अगर आप चुराने के बात पे आते हैं तो बॉलीवुड यहाँ से भी, मतलब साउथ के सॉन्ग्स हो या फिर तुम्हारे बंगाल के सॉन्ग्स हो, पंजाबी सॉन्ग्स हो, पर्टिकुलरली इन सारे चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसका बना देते हैं, इंस्पायर्ड वर्जन बना देते हैं, जो मुझे बिल्कुल बहुत ही गंदा लगता है सुनने में। आप लोगों ने लाल गेंदा फूल जो सॉन्ग है बादशाह का वो सुना होगा, तो वो एक बंगाल में बहुत फेमस फोक सॉन्ग है, बहुत पुराना। वो चीज भी उन्होंने चुराया, चुराया ही बोल सकते हैं, क्रेडिट बाद में उन लोगों ने दिया था, तो बहुत ज्यादा वायरल होने के बाद उन लोगों ने क्रेडिट दिया ओरिजिनल क्रिएटर का। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कंट्री में हमारे टैलेंट की कमी है, लेकिन हाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लोग अगर मौका नहीं देंगे तो नए टैलेंट आएंगे कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों को, नए टैलेंट को मौका देना चाहिए, कुछ आगे बात बन सकती है, कुछ ओरिजिनल, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो That's it for today, guys. और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं? तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।